प्रदेश सरकार की बसों में ओवरलोडिंग की सख्ती के चलते कॉलेज के छात्र भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसी के चलते हमीरपुर डिग्री कॉलेज की एबीवीपी इकाई ने आरएम कार्यालय हमीरपुर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। एबीवीपी ने मांग की है कि कॉलेज छात्रों के लिए अतिरिक्त बसें लगाई जाएं ताकि पढ़ाई बाधित ना हो सके। वहीं आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल ने छात्रों की मांग को सुनते हुए जल्द 3 रूटों पर नई बसें लगाने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार की बसों में ओवरलोडिंग की सख्ती के चलते कॉलेज के छात्र भी पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। इसी के चलते हमीरपुर डिग्री कॉलेज की एबीवीपी इकाई ने आरएम कार्यालय हमीरपुर के बाहर धरना किया और जोरदार नारेबाजी की। एबीवीपी ने मांग की कि कॉलेज छात्रों के लिए अतिरिक्त बसें लगाई जाएं ताकि पढ़ाई बाधित न हो सके। वहीं आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल ने छात्रों की मांग को सुनते हुए जल्द 3 रूटों पर नई बसें लगाने के लिए कहा। हमीरपुर कॉलेज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के छात्रों ने आज आरएम ऑफिस के बाहर बसों की ओवरलोडिंग को लेकर धरना प्रदर्शन और खूब नारेबाजी की। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो नियम बसों की ओवरलोडिंग के लिए लागू किए हैं, विद्यार्थी परिषद उनका सम्मान करती है, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि लोकल तक जाने वालों और कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को कई बार चालक और परिचालक ओवरलोडिंग की वजह से नहीं बिठाते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को कॉलेज जाने के लिए कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। विद्यार्थी परिषद यही मांग करता है कि कॉलेज के स्टूडेंट के लिए अलग बसें लगाई जाएं, जिससे कि सभी विद्यार्थी समय पर कॉलेज पहुंचे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के छात्र रोबिन का कहना है कि बसों में ओवरलोडिंग के विरुद्ध एबीवीपी के छात्रों ने धरना दिया है और मांग की जा रही है कि जिन रूटों पर बसें कम आती हैं उन रूटों पर और बसों को चलाया जाए ताकि कॉलेज के छात्रों को आवाजाही में दिक्कतें ना आए। आज जो विद्यार्थी परिषद ने आरएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा जो नियम लागू किया गया है बसों की ओवरलोडिंग के लिए, उसके लिए था। विद्यार्थी परिषद ये चाहती है कि जिन रूटों पे जो एक या दिन की 2 बसें आती हैं उसमें विद्यार्थियों को आने में समस्या आ रही है, जो विद्यार्थियों में बस परिचालक चालक जो है वो ओवरलोडिंग में विद्यार्थियों को नहीं बिठा रहे हैं, जिसके कारण जो है कई छात्र जो हैं वो कॉलेज पहुँचने से वंचित रह जा रहे हैं। तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन करती है और विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि जिन रूटों पर बसेज उपलब्ध नहीं है उन पे जो है वो बसें उपलब्ध करवाई जाए, जिससे छात्रों को महाविद्यालय के अंदर पहुंचने में समस्याएं ना हो। वहीं कॉलेज की छात्रा का कहना है कि बसों में ओवरलोडिंग के चलते छात्रों को नहीं बिठाया जा रहा है, जिसके कारण छात्र कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। छात्रा का कहना है कि आरएम ने कहा कि नाल्टी ग्लोर से जो विद्यार्थियों के लिए बसें कम है उनके लिए बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका कारण यही रहा कि जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं बसेस को लेके, उसी के लिए जो है धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी बसेस को लेके, उन्हें बिठाया नहीं जा रहा था, उसके लिए जो है हमने आज मांगे रखी। उन्होंने जो भी जैसे कि नाल्टी ग्लोर साइड से और बोटा साइड से बसेस की प्रॉब्लम्स थी बच्चों के लिए, उनके लिए कहा कि बसेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी और टाइमिंग पे बसेस जाएंगी। आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल का कहना है कि एबीवीपी के छात्रों की मांग से पहले ही एचआरटीसी ने छात्रों के लिए बसें चला दी हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर अनु कॉलेज के लिए भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए भी पिछले कल से 9 बसें और शुरू कर दी हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट आए थे कॉलेज के और उनकी मांग पत्र भी सौंपा है कि 2-3 जगह से बसें चलनी चाहिए, तो शायद उनको पता नहीं था जिन स्थानों को उन्होंने बताया कि बसें यहाँ से चलनी चाहिए उन पर हम ऑलरेडी 2 दिन से बसें चला रहे हैं। अभी तक ओवरलोडिंग के ऊपर जो है जीरो टॉलरेंस है स्टेट गवर्नमेंट की। जहाँ जहाँ को भीड़ पड़ रही है, मोस्टली अनु कॉलेज के लिए पड़ रही है, तो वहाँ के लिए हम एक्स्ट्रा बसेज लगा रहे हैं। पिछले कल भी हमने 9 एक्स्ट्रा ट्रिप अनु कॉलेज के लिए लगाए हैं। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।